नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमने लगी है। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए भी तैयारी तेज है। इसी बीच एक अच्छी खबर है। जम्मू और कश्मीर के शोपिया जिले के टुकरू में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम तकनीक शुरू करने वाला पहला PHC बन गया है। कोविड 19 महामारी के बीच मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन सिस्टम लगाया गया है। ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम तकनीक में एक सिलेंडर में लगे मल्टीवे रुडायल हेडर का उपयोग किया जाता है। इससे एक ऑक्सीजन की बोतल से एक साथ कई मरीजों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ये मौजूदा सीमित संसाधनों के साथ बड़ी संख्या में मरीजों को महत्वपूर्ण देखभाल प्रबंधन को सक्षम बनाता है, और इस तरह मौजूदा सीमित संसाधनों के साथ बड़ी संख्या में मरीजों के लिए महत्वपूर्ण देखभाल प्रबंधन को सक्षम करेगी। PHC की प्रभारी डॉक्टर ईश्वर गुल ने बताया कि टुकरू में PHC में 40 बेड हैं। टुकरू की आबादी केवल 650 है। हाल ही में ये ऑक्सीजन मैनिफोल्ड यहाँ स्थापित किया गया था और लगभग यहाँ 40 गाँव है, उन सभी को इससे लाभ होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये PHC चुना। ये बिल्कुल रोड पे है। ये फर्स्ट J&K में हमारा PHC पहला PHC वाहिद PHC है जहाँ पे ये मैनिफोल्ड लगा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आते हैं और पिछली बार भी आए थे। हमें उनको रेफ़र करना पड़ता था शोपियान या पुलवामा। इस टाइम हमें किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ आराम से उनको यहाँ पे जो भी हमारे पास फैसिलिटी उनको हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने टुकरू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन सिस्टम लगाया है। ये बहुत बड़ा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही थी पहले लोगों को, कहीं कभी शोपियान जाना पड़ता था, कभी पुलवामा, कभी श्रीनगर। अब जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑक्सीजन सिस्टम लगाया है, यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को, कोविड पेशेंट को खासकर। जो परेशानी हो रही थी उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा इंतज़ाम है टुकरू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और यहाँ डॉक्टर साहिबान भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा बड़े और 100 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। यहाँ 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। पहले मरीजों को शोपिया या पुलवामा रेफर करना पड़ता था, लेकिन अब उनका इलाज यही किया जा सकेगा। प्रशासन की सराहना करते हुए डॉक्टर गुल ने कहा, पूरे जम्मू और कश्मीर में ये पहला PHC है जहाँ ये सुविधा ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम शुरू की गई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि PHC को ऐसी सुविधा मिली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।